मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग लघु कथा जो है वो देखने वाले हैं। लघु कथा मतलब छोटी छोटी सी जो कथा होती है, छोटे सी कथा, उसमें छोटी कथा भले ही छोटी होती है लेकिन जो हमें सीखने को मिलता है वो कहानी से वो बहुत बड़ा होता है। तो आज की क्लास में हम लघु कथा जो है वो देखेंगे। तो उसमें है हम उषा की दीपावली। उषा किस प्रकार दीपावली मनाती है और फिर बाद में जब लास्ट में वो सवेरे उठती है तो देखती है कि एक बबन नामक जो झाड़ू मारने वाला आदमी जो होता है वो उन्होंने जो आटा के दीपक लगाए हुए होते हैं वो उठाकर अपने जेब में डालता हुआ उसे नजर आता है और उसे वहाँ वो चित्र देखकर एक वास्तव में जो बातें होती हैं कि किस प्रकार भयानक परिस्थिति आज हमें देखने को मिलती है वो उसे वहाँ अनुभव होता है कि किस प्रकार बबन को खाने के लिए भी वो मोहताज था और फिर बाद में उसे देखकर उसकी वो क्रिया देखकर फिर उषा क्या करती है घर से जाकर मिठाई उसे भरी थैली लाकर उसके हाथ में दे देती है। तो हम ये कहानी पढ़ेंगे और वो देखेंगे कहानी में और क्या क्या बताया है हमने। तो उससे पहले हम लोग जो है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी का परिचय पढ़ लेंगे। तो मैं पढ़ती हूँ। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश के मंडला गांव में जो है उनका जन्म हुआ। कब? 23 नवंबर 1952 में। आपने उन्होंने एमए किया इतिहास और हिंदी में। बीएड तथा पत्रकारिता की उपाधियां प्राप्त की। बीएड भी उन्होंने किया और पत्रकारिता क्षेत्र में भी वो अच्छे रहे हैं। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान आपकी लेखनी के विषय है और वो जब भी लिखे हो तो उसमें उनका जो है सबसे बड़ा प्रयास उनका ये रहा कि नारी में जागरूकता मतलब नारी के प्रति लोगों के मन में जागरूकता फैलाना, उनके प्रति अच्छे विचार उनके मन में लाना, यही और नारी के अस्मिता ही उनके विषय के लेखन के विषय रहे हैं। आपकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है तो वही दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी वहाँ प्राप्त होगी। और उनके लेखन हमेशा ही उनका लेखन ऐसा रहा है कि लोगों में उत्साह निर्माण करना रहा और अपने जीवन और प्यार से और अच्छे से जीने का उन्होंने हमेशा अपने लेखन से उपदेश दिया। उनकी प्रमुख कृतियाँ जो है वो देखेंगे हम लोग। बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर कहानी संग्रह रहा है इनका। दबे पाव प्यार, टेम्स की सरगम, खाबों में पैरहन उपन्यास ये रहा है उनका। फागुन का मन ये जो है ललित निबंध संग्रह है इनका। नीली पत्तियों की शायराना हरारत यात्रा संस्मरण ये रहा है इनका। आगे देखो विधा परिचय पढ़ रही हूँ मैं। लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना पीड़ा आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। कैसा होती है लघु कथा? इसमें जो है संवेदना पीड़ा आनंद को सघनता से तथा गहराई से इसमें प्रस्तुत किया जाता है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का फूट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कलम किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हैं। और जो हमने नाम पढ़े वो कौन रहे हैं? लघु कथाकार रहे हैं। हमेशा इन्होंने लघु कथा लिखकर समाज में जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। प्रस्तुत कथा में हम क्या देखने वाले हैं वो संक्षिप्त में मैं पढ़ती हूँ। उषा की दीपावली लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत करती है। एक और थालियां भर भर कर झूठन छोड़ने वाले लोग हैं तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कोर के लिए तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। इस प्रकार के लोग हमें देखने मिलते हैं दो प्रकार के। एक और तो लोग क्या करते हैं थाली में भर भर कर खाना लेते हैं और खाना ना होने के कारण वो फेंक देते हैं और दूसरी ओर लोग एक एक कोर के लिए तड़पते हमें नजर आते हैं। तो इसी सत्यता को उन्होंने यही वास्तविक बात को उन्होंने इस कथा में बताया। तो कथा पढ़ने की शुरुआत में करती हूँ। दादी ने नरक चतुर्थ के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी तक जगमगा दी। उषा की जो दादी है दिवाली है और दिवाली होने की वजह से उषा की दादी ने आटे के दीपक बनाए और पूरे दीपक उन्होंने क्या किए
सर देहरी पर चौराहे पर लगा दिए और वो दीपक की रोशनी में क्या हो रहा है, पूरा घर उनका जगमगा उठा है। घर पकवानों की खुशबू से तरबतर था, गुजिया पकड़ी चकली आदि सब कुछ था। और अब दिवाली होने की वजह से घर में विविध प्रकार के पकवान पकाए गए हैं, उसमें गुजिया है, पकड़ी है, चकली है, ऐसे सब कुछ हर मिठाई उसमें उनको वहाँ खाने को उषा को मिल रही है। और उसकी खुशबू से भी घर क्या हुआ, पूरा तरबतर हो गया, पूरा घर में उसकी खुशबू फैल चुकी है। मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी, लेकिन वो उषा जो है उसे मिठाइयाँ और बंगाली मिठाइयाँ और उसे चॉकलेट ही बहुत पसंद है, वो खाना उसे नहीं पसंद, जो गुजिया है, पपड़ी है, चकली है, ये सारी बातें उसे नहीं पसंद। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएंगी। यह सब तो पड़ोसियों नाते रिश्तेदारों के घर और आए मेहमानों के लिए। और दादी उसे बोलती है, दादी को पता है कि उसे चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ पसंद है, इसलिए दादी क्या बोलती है उसे, तेरे लिए ये सारी चीज़ें नहीं है, तेरे लिए मिठाइयाँ आएंगी, ये तो सारे हमारे रिश्तेदार अपने आजू और बाजू के पड़ोसी जो है उनके लिए ये बनाए गए। आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। अब दिवाली के दिन था, अभी पूरे पटाखे फूट चुके थे और दीपक भी जो लगाए थे वो अभी बुझ चुके थे, मतलब अब टाइम हो गया। और जब सवेरे तो क्या होता है, देखो सवेरे जब उषा उठती है जॉगिंग के लिए तो क्या होता है, आटे के दीपक कंपाउंड के मुंडेर पर जलाकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट के नीचे उतरी तो उसने देखा कि पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। जब सुबह उषा जो है जॉगिंग के लिए निकली तो उसने देखा कि पूरा कंपाउंड जो है उनका पूरा पटाखों से भरा हुआ है, क्योंकि दीपावली थी और पटाखे फोड़े जाते हैं तो पटाखों का जो कचरा है वो पूरे उनके कंपाउंड में क्या था, जमा हुआ था। उसे देखकर क्या होता है, देखो कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा कि सफाई करने वाला बबन उन दीपकों को कचरे के डिब्बे में ना डाल अपनी जेब में रख रहा था। क्रूश काय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज से सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए, उषा ने पूछा। घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता ही है ना, बबन ने खीसे निपोड़े। देखो उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो दीपक लगाए हुए थे, आटे के दीपक जो लगाए हुए थे, वो आटे के दीपक झाड़ू मारने वाला बबन अपने जेब में डाल रहा था। वो हर रोज सुबह जब उषा जॉगिंग के लिए जाती थी तब बबन उसे क्या करता था, सलाम करता था, लेकिन इस बार बबन ने वो दीपक जो है अपने जेब में डालते हुए उसे नजर आया उषा को। तो उषा ने उसे पूछ लिया कि तुम ये आटे के दीपक कचरे के डिब्बे में ना डाल, अपने जेब में क्यों डाल रहे हो। तो बबन उसे कहता है कि अन्न क्या है, देवता है, और ये मैं घर पर ले जाऊंगा और उसे क्या करूंगा, अच्छे से सेक कर खाऊंगा। तो उषा क्या करती, देखो उषा की आंखें विस्मय से भर उठी, उषा को आश्चर्य हुआ, इसमें मतलब आश्चर्य हुआ उसे। तमाम दावतों में भी भरी प्लेटों में से जरा सा टूटने वाला मेहमान और कचरे के डिब्बे में हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ा है। क्या करता है, जब भी किसी प्रकार का कार्यक्रम होता है लोग क्या करते हैं, प्लेटों में जो है खाना भर भर कर लेते हैं, उनसे खाना नहीं होता वो फेंक देते, लेकिन वही फेंका खाना लोग जो जिसे खाना नहीं मिलता वो लोग क्या करते हैं, उठाकर वही कचरे का खाना खाते हैं। तो ये सारे चित्र उसके सामने, किसके सामने, उषा के सामने प्रकट हो रहा था। वह दौड़ती हुई घर गई, जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियां उतर गई। और वो क्या करी, वो सारा चित्र उसके आंखों के सामने जब आ गया तो वो चित्र देखे, मतलब वो देखते ही सोचते ही वो क्या की, जल्दी जल्दी ऊपर गई और घर से वो जो मिठाइयों की थैली थी, पकवानों से भरी जो थैली थी, दौड़ते दौड़ते एक साथ में उसने पूरी सीढ़ियाँ उतर आई और वो थैली क्या की उसने बबन के हाथ में ली। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियाँ पर पकवानों की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे, पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक आए। और जब उषा ने उसे पकवानों से भरी जो थैली दी तो वो थैली पाकर बबन भी पूरी तरह मतलब उसके आंखों में क्या हुआ, आंसू आ गए, रो पड़ा। मतलब वहाँ उसे इस बात, मतलब उषा ने जब मदद की उसको तो उसे उसका बहुत ज़्यादा आनंद हुआ और वो खुशी से उसके आंखों में आंसू आने लगे। तो ये सारी इस छोटी सी कथा में उन्होंने हमें यही बताया कि अन्न की बर्बादी न करते हुए हमें, हमारे पास अगर कुछ अन्न बच जाता हो तो वो गरीब लोगों में बांट देना चाहिए। तो यही सीख हमें इस छोटी सी कहानी में से सीखने को मिली है। आज के क्लास में बस इतना ही, आगे की कहानी में आगे की जो लोगों को कथाएं हम देखेंगे। मुस्कुराती छोड़, तब तक के लिए धन्यवाद।